हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। शाम का टाइम है, शाम के भी बज रही है 7 और आज काफ़ी लेट मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत जो है ना वो करी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, हाँ यहाँ पर मैं अपने बालों को ना मतलब इतना अच्छा लग रहा है बालों का, आज हाथ लगा रही हूँ ना काफ़ी टाइम बाद में, क्योंकि जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना एक्सट्रीम वाली गर्मी, तब से मतलब है ना बालों में कोम करने का मन ही नहीं होता है। बाल जो है वो इतने ज़्यादा चिपचिपे से रहते हैं पसीने की वजह से। लेकिन आज मॉर्निंग में जो मैंने हेयर पैक बना के लगाया था ना, तो उसकी वजह से बाल जो थे वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने बाउंसी से हो रहे थे ना कि मुझे अपने बालों के मतलब बालों के साथ में ही खेलने का मन हो रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ देर तो बाल को खुले रख के और बहुत अच्छे से मतलब उनको सहला रही थी। फिर उसके बाद में तो फिर मैंने कहा गर्मी है, बाल अच्छे से बना देते हैं, पोनी वगैरह मैंने बना दी है। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर कुछ काम से, कुछ सामान लाना भी है, कुछ सामान बाहर मुझे देना भी है। और यहाँ पर ये देखिए बारिश जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों में ही। तो बस बारिश के पहले कुछ काम जो है वो मैं निपटाती हूँ, तो उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। तो यहाँ पर मैं 3 किलो लाल मिर्ची जो है वो लेकर आई हूँ। तो लाकर मैंने थोड़ी बहुत तो साफ़ कर दी थी दिन को, थोड़ी सी बाकी है तो वो मैं करूँगी और उसके बाद में इसको दूँगी कल धूप में। तो बारिश आने के पहले कुछ काम जो है मुझे निपटाने ही होते हैं। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ, एक तो सब्ज़ी मुझे लेकर आनी है और बच्चों की ना कुछ बुक्स हैं जैसे कि साइंस की, मैथ्स की और सोशल की। ये ना बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे मतलब 2-4 महीने में ना बुक में से पेजेस निकलने लग जाते हैं, फट जाते हैं। और कितना भी आप अच्छे से कवर वगैरह चढ़ा दो, तो इस बार मैं ये सोच रही हूँ कि बुक्स की ना बाइंडिंग करवा देती हूँ। तो 3 बुक परी की है, 3 बुक विहान की है, तो 6 बुक्स जो है मैंने ली है। और साथ में एक जो ये अपना जार होता है ना मिक्सी का, बीच वाला जो जार होता है जिसके अंदर मिर्ची वगैरह मैं पीसती हूँ ना, तो उस जार का जो लीड है ना उसके वहाँ जो रिंग लगी रहती है ना वो काफ़ी दिन से ना ख़राब हो गई है, तो वो भी मैंने ले ली है। तो फाइनली थोड़े थोड़े करके काम जो है वो निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। गर्मी इतनी तेज़ है, सुबह से सोचती हूँ कि शाम को निकलूँगी, शाम को थोड़ी सी मतलब वापस क्या है पीछे, तो सुबह से लगता है कि शाम को निकलेंगे, शाम को तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ठंडा कुछ नहीं होता है। शाम को भी जो हालत है ना इतनी ख़राब रहती है, मतलब इतनी भयंकर वाली गर्मी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी तिक्खी वाली गर्मी। अभी मतलब पूरी पसीने की हो गई हूँ मैं, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं ज़रूरी है, बाहर निकलना ही पड़ता है। ये देखो, ये मैंने लिए बच्चों के लिए पेपर, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन बच्चों के पास में जो A4 साइज़ के पेपर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो बच्चे अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे। पेपर लिए, बच्चों की बुक जो थी वो देकर आई हूँ बाइंडिंग के लिए, और वो फिर रात को देगा। तब रात को तो मैं बाहर निकलूँगी नहीं, कल आऊँगी। और वो जो मिक्सर की लीड थी, मिक्सर जार की लीड, वो भी लेनी ज़रूरी थी, तो वो भी लिए। और ये छोटे बड़े काम ऐसे हैं ना कि जो मतलब हमको ही करने पड़ते हैं, हमको ही निकलना पड़ता है। ये काम अगर मैं किसी और को बोलूँगी ना तो फिर काम जो है वो ना पूरे होंगे ना अच्छे से होंगे। इतनी तेज़ गर्मी, माय गॉड। चलो घर जाके मिलते हैं। और यहाँ अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बिल्कुल जंप कर लिया मैंने। मतलब शाम को बाहर गई थी ना, तो मतलब आने के बाद में इतनी गजब की गर्मी लगी है ना, मतलब इतनी भयंकर वाली कि मेरा कुछ भी मन नहीं था, इतना चिड़चिड़ापन सा होने लग जाता है। शाम को ऐसा लगता है ना कि मतलब पूरे दिन धूप रहती है, शाम को ये सोच के बाहर निकलते कि थोड़ी बहुत हवा होगी, लेकिन आजकल तो शाम को हवा का भी नामो निशान नहीं होता है। बाहर जाने के बाद तो हालत और ख़राब हो जाती है, तो आने के बाद में मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। और यहाँ सीधे मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। तो अभी सुबह की बज रही है 6:15 और मैं आज उठ गई थी 6:45 के करीबी, क्योंकि 6 बजे ना बच्चों की परिविहान की और उसके पापा 3 बजे स्विमिंग क्लास में जाते हैं, तो उनको 6 बजे निकलना ही होता है। तो फिर मैं 5-10 मिनट पहले मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं उन लोग को उठाती हूँ। मतलब साथ में ही सब लोग उठते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है। तभी 3 जने चले गए उनकी क्लास में, और जब वो जाते हैं तो मेरा मन एक बार तो यूँ होता है ना कि थोड़ी सी देर सो जाए, क्योंकि मतलब सुबह सुबह ना मौसम ठीक रहता है। तो लेकिन फिर बाद में ये भी सोचती हूँ कि थोड़ा सा अगर मैं मॉर्निंग में आलस कर लूँगी ना, तो फिर पूरे दिन मेरे काम जो है ना वो अस्त व्यस्त पड़े रहेंगे। और आजकल गर्मी है तो गर्मी में बस मेरी रूटीन जो है वो मैंने थोड़ी बहुत इसी तरीके से बदल दी है कि सुबह सुबह जब मौसम ठंडा होता है ना, तो ठंडे ठंडे में ही जितने काम जो है वो निपटा सके तो अच्छा है। स्पेशली झाड़ू पोछा और डस्टिंग का काम जो है ना वो मैं सुबह ही कर लूँ ना तो अच्छा, क्योंकि खाना वगैरह बनाने का काम तो ठीक है बाद में भी मैं कर लूँगी, लेकिन ये झाड़ू पोछा का काम वो ऐसा है ना कि एक बार गर्मी पड़ने लग जाए ना अच्छी खासी, तो उसके बाद में होते नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं ये जो रूम है इसी को मैं क्लीन करते हुए ही जा रही हूँ। तो जितने भी बिस्तर थे उसको मैंने फोल्ड कर दिए, रख दिए अपनी जगह पर,
और यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन का मैं आंसर जो है देना चाहूँगी कि जब भी मैं इस तरीके से बेडरूम की क्लीनिंग का वीडियो बनाती हूँ ना, बिस्तर वगैरह फोल्ड करती हूँ, तो मेरे पास में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि श्रद्धा आप बिस्तर नीचे क्यों बिछाते हो। तो मैंने पहले भी कई बार व्लॉग में बताया हुआ है कि जो हमारे घर के अंदर सिर्फ यही वाला रूम है जहाँ पर हमने एसी लगा के रखी हुई है, और आजकल गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि बच्चे जो है वो अपने रूम में नहीं सो पाते हैं। लास्ट ईयर हम लोग कूलर लेकर आए थे ये सोच के कि बच्चे जो है वो कूलर में सो जाएंगे कूलर चालू करके, लेकिन इस बार की जो गर्मी है ना वो इतनी असहनीय है ना कि आप कूलर लगा दो या कुछ भी लगा दो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए हम सब लोग उसी रूम में सोते हैं, और फिर जो बेड है वो वैसे तो किंग साइज़ का बड़ा है, लेकिन फिर भी बच्चे अब बड़े हो गए, चार जने हम बेड पे नहीं आ सकते, तो इसीलिए मैं एक मैट्रेस जो है वो नीचे बिछाती हूँ, तो फिर कोई भी सो जाता है, कभी परी, कभी विहान, कभी मैं, तो इस तरीके से जिसका भी मन होता है वो नीचे सो जाते हैं। तो इसलिए मुझे बिस्तर जो है वो नीचे करना पड़ता है। तो वहाँ यहाँ पर मैंने जो मेरा बेडरूम है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। बच्चों वाला रूम तो आजकल साफ़ ही रहता है क्योंकि उसमें कोई नहीं जाता है, खाली मुझे लिविंग रूम जो है उसकी डस्टिंग अभी बाकी है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर ना, ये सब लोग आने वाले हैं तो उनके आने के पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ठंडाई जो है वो बना देती हूँ। तो ठंडाई के अंदर मैं चिया सीड्स डालती हूँ, तो सबसे पहले मैंने चिया सीड एक चम्मच लिए, वो मैंने भिगो के रख दिए हैं। और इसी बीच में बेल बजी और देखा तो ये लोग आ गए थे, और यहाँ पर मैंने ठंडाई जो थी वो बना दी थी, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही दो बार शेयर कर दिया ठंडाई का वीडियो, और ठंडाई का जो पाउडर है वो मैंने पूरा ही घर पे बना रखा है, तो आजकल मुझे टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ठंडाई जो है बनकर हो जाती है रेडी। और यहाँ पर बच्चे जैसे ही आते हैं तो आते में ही वो अपनी सारी बातें जो है वो मेरे साथ में शेयर करते हैं। तो आते में ही मतलब 5-10-15 मिनट उनको लगता है, सभी अपने अपने बातें जो है वो शेयर करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है उनकी सारी बातें ना सुनना। और यहाँ पर ठंडाई तो मैंने पहले ही बना दी थी, चिया सीड्स मैं बाद में ऐड करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने चिया सीड्स भी ऐड कर दिए हैं और अभी मैं सबको दे दूँगी। और साथ में ही मैंने सोचा कि मशीन जो है वो चालू कर देते हैं ताकि टाइम से कपड़े जो है वो धुल जाए और टाइम से ही मैं कपड़ों को सुखा भी दूँ। और सब लोग अभी नहाने के लिए गए एक एक करके, अभी परी जो है वो बाद में नहाएगी क्योंकि वो अपने हेयर वॉश वगैरह करके नहाती है ना, तो उसको टाइम लगता है। तो सबसे पहले जैन साहब और जैन साहब और विहान, ये दोनों जने नहा रहे हैं, वो नहा के निकलेंगे तो फिर परी जाएगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर सभी लोग नहा के निकल गए हैं, और स्विमिंग से आते हैं ना तो आते में ही सबको ना बहुत तेज़ भूख लगती है, जाने के टाइम तो वो लोग कुछ भी नहीं, सिर्फ और से ब्रश करके और पानी पी के चले जाते हैं। और वैसे भी स्विमिंग वगैरह करते हैं तो खाली पेट ही जाना चाहिए ताकि मतलब जी ना घबराए या स्टमक पेन ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो इसीलिए वो एकदम जैसे ही उठते हैं ना तो उठने के बाद में ब्रश वगैरह करके और पानी पी के चले जाते हैं, लेकिन आने के बाद में उनको ना बहुत तेज़ वाली भूख लगती है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं स्विमिंग। स्विमिंग भी है ना एक तरीके की एक्सरसाइज है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर आजकल मैं ना नाश्ता जो है वो बनाती हूँ सुबह सुबह, तो कभी पोहा बना देती हूँ, कभी उपमा बना देती हूँ। आज मेरे पास में एक तो ग्रीन चटनी मैंने कल बनाई थी शाम को, तो वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो, और ब्रेड भी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ना यही बना देती हूँ सैंडविच। और यह सैंडविच जो है वो सिर्फ और सिर्फ विहान के लिए बन रहा है क्योंकि जैन साहब जो है वो तो डायरेक्ट ठंडाई पी थी और उसके बाद में वो सोने चले गए थे, तो सुबह ना जल्दी उठते और दिन को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता है जैन साहब को, तो इसीलिए वो ना जैसे आते हैं तो आते में ही तुरंत शावर लेके और कुछ देर सो जाते हैं घंटा डेढ़ घंटा, तो वो सोने के लिए चले गए। परी भी नहाने के लिए गई है, तो उसने भी मुझे मना कर दिया कि मेरा थोड़ा सा मामा पेट दर्द हो रहा है तो मेरे लिए आज कुछ मत बनाना। तो यहाँ पर सिर्फ विहान के लिए बनाना था, तो यहाँ पर मैंने बस बिल्कुल मुंबई स्टाइल वाला टोस्ट सैंडविच जो है वो मैं बना रही हूँ, और ये हमारे मुंबई का बहुत ही फेमस सैंडविच है। कौन कौन मुंबई में रहते हैं और मुझे मुंबई से देख रहे हैं आज, उनका कमेंट जो है वो ज़रूर आना चाहिए, और ये वाले सैंडविच जो है वो किस किस को पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल में सिर्फ खीरा, ककड़ी, टमाटर और कैप्सिकम यही डाले थे, बाकी इसमें एक दो सब्जियाँ और डलती है, आलू डलते हैं इसमें और बीटरूट डलता है, लेकिन वो तो हम खाते नहीं हैं। और लेकिन मेरे पास में 3 सब्जियाँ थी, तीनों मैंने डाल दी थी। अगर किसी को ना ये पसंद होता है चीज़, तो ढेर सारा चीज़ भी डलता है, तो वो सैंडविच भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
मैंने तो सिंपल वाला ही बनाया, लेकिन हाँ ये वाला भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और गैस के ऊपर है ना, डायरेक्ट मैंने ये टोस्टर नहीं रखा था, क्योंकि फिर क्या होता है, ब्रेड जो होती है ना वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है, और सब्जियां जो होती है ना वो थोड़ी सी कच्ची रहती है। इसलिए मैं रोटी बनाने वाला जो स्टैंड होता है ना, रोटी रखने वाला सॉरी, तो वो रख कर और फिर मैं रखती हूँ, ताकि वो बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकता रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा सैंडविच जो है वो हो गया है रेडी। और हाँ, ये सैंडविच को कट करने के लिए जो नाइफ होता है ना वो बिल्कुल अलग ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प नाइफ होते हैं, लेकिन मेरे पास में नहीं है, तो मैंने फिर बिल्कुल सिर्फ दो ही पीस जो है उसके कट किए, बाकी इसके ना 5-6 पीस कट हो जाते हैं। यहाँ पर कल शाम को मैं सब्ज़ियाँ लेकर आई थी, जो मैंने आपको बताई नहीं थी, तो ज़्यादा तो नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि आजकल गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सुबह के भी 7:30 बज गई है और ये लोग आ गए थे 7 बजे, और आते में ही मतलब शावर लिया इन लोगों ने, और शावर लेने के बाद में ये देखो सब लोगों ने सो गए। धीरे धीरे से बात कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग थोड़े जिनसे आपको भी नींद आ गई थी, और सुबह ना एक्चुअली जल्दी उठ जाते हैं, और रात को सोने में लेट होता ही है, चाहे कितना भी करो, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, उनको कितना भी समझाएंगे तो बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे दिन छुट्टी ही है। और फिर सुबह ना 6 बजे वहाँ पर पहुँचने का टाइम है, तो उठते उठते ही मतलब मेरी खुद की नींद खुलती है 5:45 बजे तक। फिर इन लोग को उठाती हूँ, हाथ मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं टाइम मिलता है तो, नहीं तो आने के बाद में ही करते हैं, और फिर अपना जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है वो पहन के और जाते हैं, तो उसमें उनको हार्डली 10 मिनट तो लगते ही हैं। और इसलिए बस आने के बाद मैं भी बोलती हूँ कि नहा कर एक बार सो जाओ, और एक घंटा भी सो जाओगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बच्चों का तो इशू नहीं है, क्योंकि बच्चे तो घर पे ही हैं, दिन को भी सो जाएंगे, लेकिन यही है कि पतिदेव जी वो दिन को फिर शॉप पे होते हैं, उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है, तभी वो भी सो रहे हैं। और चलो मैं फटाफट से काम पर लगती हूँ, धीरे धीरे से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्योंकि दो जने सो रहे हैं बेडरूम में और परी सो रही है हॉल में, अगर मैं आवाज़ करूँगी तो फिर वो लोग उठ जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये सब कुछ। तो यहाँ पर विहान और उसके पापा वो दोनों तो बेडरूम में सोए थे, परी को भी मैंने बोला था कि बेडरूम में ही सो जाना, क्योंकि मेरा ये रहता है ना कि ये लोग अभी घंटा डेढ़ घंटा सोएंगे, तब तक मैं ना डस्टिंग करके और झाड़ू पोछे का काम जो है वो कर लूँ, क्योंकि सब लोग सोए हुए रहते हैं ना, तो बीच बीच में कोई घूमता नहीं, तो बहुत अच्छे से झाड़ू और पोछा हो भी जाता है। लेकिन अब वो परी ने पता नहीं मेरी बात ढंग से सुनी भी नहीं, और अब वो यहाँ सोफे पर ही सो गई है, लेकिन अभी मुझे कुछ देर में उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर बाद में ना मेरे से झाड़ू पोछे के काम नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये देखो, कल मैं ये जो मिक्सर जार की जो मैंने बोला था ना कि लीड की जो रिंग है वो मेरे को लेके आनी है, और मैं लेके आई भी थी, तो वो भैया ने मुझे ना गलत रिंग दे दी है, वो डबल वाली जो होती है ना वो दे दी है, तो उसकी वजह से ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, तो ये मुझे फिर से चेंज कराना पड़ेगा। और शाम को सब्जियां तो मैं लेकर आ गई थी, लेकिन फ्रूट्स लाने का काम जो होता है ना वो पतिदेव जी का ही होता है, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं ना वो मतलब आजकल जो फ्रूट आ रहे हैं ये क्या बोलते हैं अपना मस्क मेलन वाटर मेलन, इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, तो सब्जियां भी लूँ फिर ये भी लूँ तो काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है, फिर मुझे थोड़ा सा वॉकिंग करके भी आना होता है, तो इसीलिए फ्रूट्स का काम मैंने उन्हीं को सौंप के रखा हुआ है। तो रात को ये फ्रूट्स लेकर आए थे। अब आजकल ये जो फ्रूट है ना इनके लिए ना मतलब फ्रीज के अंदर रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि अब फ्रीज़ के अंदर कितनी चीज़ें रखूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी जगह जो है वो बना के रखूँ, ताकि ये फ्रूट जो है वो भी अंदर आ जाए। कल के वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे किए थे, और सभी का मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई जो था वो भी दिया था। बहुत टाइम बाद में ऐसा हुआ है कि मैंने आप सभी के जो कमेंट्स उन सब का अलग अलग से रिप्लाई जो था वो दिया था, तो आगे भी कोशिश करूँगी कि आप लोग, क्योंकि ना बहुत मुश्किल होता है कि इतने बिजी शेड्यूल, जितना मतलब मैं बिज़ी रहती हूँ मुझे लगता है कि सभी लोग रहते हैं, और इतने बिजी शेड्यूल में से सभी टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो एक रिप्लाई जो है वो करना तो बनता है मेरी तरफ से। तो आगे से कोशिश करूँगी कि मतलब सभी को मैं ना अच्छे से रिप्लाई दूँ, ठीक है। और फिर भी अगर कभी बच जाता है ना तो प्लीज़ थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लेना, समझ लेना, मेरी बहुत छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है, तो मुझे पता है कि वो बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी वो रहती है, मतलब बिजी शेड्यूल तो होता ही है, और उसमें कैसा होता है कमेंट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन यही है कि रिप्लाई करना कई बार रे भी जाता है, किसी को दे देती हूँ किसी का रे भी जाता है, अगर मोबाइल मेरा हाथ में है उसी टाइम पर कोई कमेंट आया है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, अदरवाइज रे भी जाता है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इस वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, और इसके आगे का जो रहेगा वीडियो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग आप ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना।